करनाल में बुजुर्ग महिला के ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नशे में इस वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही आरोपी स्मैक के नशे में थे और चोरी के इरादे से महिला के घर में दाखिल हुए थे। सर, हमें 10 तारीख को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी मिली है बुजुर्ग महिला की, जिसकी उम्र 68 से 70 साल बताई गई है। और जब हम मौके पे गए, FSL टीम हमने बुलाई, SHO सदर भी वहाँ पहुँचे, हम भी पहुँचे, तो मौका मुआयना करके और उसकी डेड बॉडी देख के हमें लगा कि इसकी हत्या की गई है, नेचुरल डेथ नहीं है। तो क्योंकि उसके जहाँ वो लेट पड़ी हुई थी डेड बॉडी, उसमें काफ़ी ब्लीडिंग फर्श पे हो रखी थी। उसके बाद हमने हर एंगल से इसमें तफ्तीश की, जाँच की, और वो CCTV कैमरों की हमने सहायता ली। CCTV कैमरे से हमने देखा कि जो मेन गेट है उससे किसी की भी एंट्री पूरी रात नहीं हुई थी। तो उसके बाद हमने दूसरे एंगल वाले जो CCTV वो उधर आसपास लगते थे उनसे देखा। रात को करीब 2 बजे 2 परछाइयाँ ऊपर हमें दिखाई दी, तो हमें यूँ पता लग गया कि जो अंदर लोग अंदर के रहने वाले हैं, वारदात उन्हीं के द्वारा की गई है। और फिर हमने 27 इंच किराएदारों से पूछताछ की, तो ये वारदात सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर जब उन्होंने घर के CCTV चेक किए तो पहले उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आरोपी कहीं बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाले 2 आरोपी हरदीप उर्फ पोला और प्रीत उर्फ प्रीतिका ने किराया नहीं दिया था को लेकर बुजुर्ग महिला और आरोपियों में कई दिन पहले कहा सुनी हुई थी। आरोपी घर में चोरी करने की नीयत से घुसे थे। इस दौरान महिला जाग गई और आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। ये हरदीप उर्फ पोला है और एक प्रीति है लड़की जो इसके साथ रहती है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों नशा करने के आदी हैं, काफ़ी टाइम से नशा कर रहे हैं। और नशे की उस दिन भी इन्होंने स्मैक पी, क्योंकि 8 तारीख को इसने बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे 4 धाम यात्रा पे जाना है, ये किराया मुझे आज ही दो, नहीं तो मैं कल तुम्हारा कमरा बंद कर दूंगी। तो इन्होंने फिर रात को स्मैक पीने के बाद सलाम बनाई कि इसके पास पैसे भी हैं और जेवर भी हैं, इसके घर में चोरी करके सुबह किराया दे देंगे। तो रात को फिर ये चोरी की नीयत से ऊपर गए थे, लेकिन जब ये चोरी करने लगे तो वो बुजुर्ग औरत जाग गई थी और इन्होंने उसको पकड़ लिया, फर्श पे गिरा लिया। उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी, क्योंकि एक तो वो एज थी, एक पेशेंट भी थी, हार्ट पेशेंट, तो काफ़ी ब्लीडिंग उसकी मौके पे हुई है। लेकिन जब तक उसने छटपटाना बंद नहीं किया तब तक इन्होंने इसको पकड़ के रखा, और उसके बाद उसके कानों की बालियाँ, मंगलसूत्र और जो पैसे उसके पास थे वो ले गए। सर, कुछ बरामद भी हुआ? नहीं, इसका 3 दिन के रिमांड पे आज हम कोर्ट में पेश करके लेंगे, और रिमांड के दौरान जो जो चीज़ें इन्होंने चोरी की है, जो मौके से लेके गए हैं, वो सारी चीजें बरामद की जाएगी। दोनों ही आरोपी नशे के आदी थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने से पहले भी नशे की डोज ली थी। वहीं पुलिस ने भी इस मामले की जांच को काफी गंभीरता से किया। शायद इसलिए ब्लाइंड मर्डर केस होने के बावजूद भी पुलिस ने कम समय में ही इस हत्या के मामले को सुलझा लिया है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर भेज दिया गया है। करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।